विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधि पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध की बात कही गई थी, जिसमें अभ्यास पर हमने विगत कक्षा में चर्चा की और कहा कि तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, कि उस निर्मल चित्त की जो एक प्रशांत वाहिता स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, उत्साह है, उसको अभ्यास कहा जाता है। और इस अभ्यास से वृत्तियों का निरोध होगा, और वह वृत्तियाँ पांच प्रकार की है, पूर्व में बता दिया गया है। उन पांचों प्रकार के वृत्तियों का निरोध, प्रथम दृष्टया क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध होगा, अक्लिष्ट वृत्तियाँ सात्विक वृत्तियाँ बनी रहेगी संप्रज्ञात समाधि में, और अंततः वह भी असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति मात्र का निरोध हो जाएगा। यानी कि राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ तो संप्रज्ञात समाधि में ही नष्ट हो जाती है, रोक दी जाती है, और सात्विक वृत्ति भी अंततः रोक दी जाती है, और उसको रोक देने से वृत्ति मात्र का निरोध हो जाता है, और वृत्ति मात्र का निरोध होने से, समस्त प्रकार के वृत्तियों का निरोध हो जाने से असंप्रज्ञात समाधि, जिसको स्वरूपावस्थिति कहा जाता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो अभ्यास के द्वारा उन वृत्तियों को रोका जाता है, लेकिन कौन से अभ्यास से उन वृत्तियों को रोका जाता है, इसके लिए भी महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 14 में कहा कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़भूमि है, कि वह अभ्यास दीर्घकाल पर्यंत चलें, निरंतरता के साथ चलें, श्रद्धापूर्वक चले, तप पूर्वक चले, ब्रह्मचर्य पूर्वक चले, विद्या पूर्वक चले, ज्ञान पूर्वक चले, तब जा करके वह अभ्यास परिपक्व होता है, और उस परिपक्व अभ्यास से उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो एक निर्मल चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति है, जिस स्थिति में न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न हम किसी से राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं, सब में प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, प्रेम का एक भाव समस्त प्राणी मात्र में हो जाता है, किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती, किसी से कोई दुर्भावना नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न, जो उत्साह, जो वीर्य है, उसी को अभ्यास कहते हैं, और वह अभ्यास दीर्घकाल तक हो, निरंतरता के साथ हो, परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने से वह परिपक्व अभ्यास ही चित्तवृत्तियों के निरोध करने में सक्षम होता है। सामान्य अभ्यास से चित्तवृत्तियाँ निरोध नहीं होगी। सामान्य अभ्यास का मतलब कि जो निरंतरता पूर्वक न करें, जो दीर्घकाल तक न करें, उन अभ्यासों से चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कब तक करें, ये बात उपनिषद में आती है, कब तक करो, करके आमरण, जब तक मर न जाओ तब तक करना है। कोई नियम नहीं है कि भाई 5 साल हम योगाभ्यास करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। भोजन के लिए कोई कहता है कितने साल तक हम भोजन करें उसके बाद छोड़ दें, शौच कितने साल तक करें उसके बाद छोड़ दें, ये तो कोई नहीं पूछता है। कब तक करते रहते हैं, मरते दम तक करते रहते हैं। ऐसे ही ये जो अभ्यास हैं, योगाभ्यास हैं, जो भजन है, जो योग हैं, इनको भी आमरण करना है, जब तक जिए तब तक करना है, इसमें कोई काल का नहीं, उसी को दीर्घकाल का। दीर्घकाल का मतलब नहीं कि कोर्स कर लिया 2 साल का, 3 साल का बीए कर लिया, 2 साल का एमए कर लिया, हो गया काम, योग में बीए एमए कर लिया, हो गए योगी, ऐसा नहीं होता। तो क्या पठन मात्र, एक अध्ययन है, एक तो ज्ञान आपको कराया गया, लेकिन अभ्यास तो उसका जो है जीवन भर करना है, मरते दम तक करना है। तो उस प्रकार के जो परिपक्व अभ्यास ही इन वृत्तियों का निरोध कर पाएंगे, अन्यथा ये वृत्तियाँ निरोध नहीं होने वाली हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसको अनुभव करते हैं कि समान अभ्यास से वृत्तियाँ निरोध नहीं होती। समान अभ्यास हम करते ही हैं, लेकिन अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो वृत्तियाँ निरोध होगी, और उन निरोध वृत्ति जब होगी तब जाकर के स्वरूपावस्थिति होगी। तो ये हुई अभ्यास की बात।
अब वैराग्य, क्योंकि दो चीज बताया गया था, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध है। दो अभ्यास उत्तमाधिकारी के लिए है कि वो केवल अभ्यास और वैराग्य द्वारा संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात योग की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो अब वैराग्य क्या है, अभ्यास के विषय में चिंतन हो गया। वैराग्य के विषय में कह रहे हैं सूत्र संख्या 15 में, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। वशिकार संज्ञा नामक वैराग्य यहाँ पर कहा गया, इस वैराग्य का नाम है वशिकार संज्ञा। एक स्थिति है चित्त की जिसमें चित्त वशीकृत हो जाता है, आत्मा के अधीन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं वैराग्य और इसी को वशिकार है। ये स्थिति है या नाम भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसकी का योग विशेषता है, इसका स्वरूप क्या है, तो कहा महर्षि ने कि दृष्ट अनुश्रविक विषय वित्तीष्णस्य, दृष्ट विषय वित्तीष्णस्य अनुश्रविक विषय वित्तीष्णस्य, दृष्ट विषयों में वित्तीष्ण हो जाना। दृष्ट विषय का मतलब कि ये लोक में जो दृश्य दिख रहा है, जो रूप रस गंध जो विषय हमें देखने में आ रहे हैं इस जन्म में, इस जीवन में, इस लोक में, तो इस लोक, इस पृथ्वी लोक के जो भोग हैं रूप का रस का गंध का स्पर्श का, उन भोगों के प्रति आसक्ति न रहना, वितृष्ण हो जाना, जिसकी तृष्णा रहित हो गई, चली गई, विगता तृष्णा यस्य, तो जिसकी तृष्णा खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तृष्णा का मतलब ये मन के धर्म है, तृष्णा होती है मन में, ये लालसा आसक्ति आकांक्षा, इन शब्दों से उसको कहा जाता है कि भोगों की लालसा भोगों की इच्छा ये होती है मन में, और उस मन से ये बात निकल जाए, वो मन ही ना करे, मन के मन कोई रुचि ना ले रूप में रस में गंध में, इन जो सामान्य जो विषय हैं जिसमें पूरी दुनिया डूबी हुई है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, उन विषयों में मन से ही निरस्ता आ जाए, वो एक स्थिति आती है, लेकिन वो बहुत अभ्यास के बाद आती है, सामान्यतया नहीं आती। तो ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें देखे हुए विषय, जो दृष्ट विषय हैं, इस लोक के विषय हैं, उन समस्त विषयों के प्रति कोई झुकाव कोई आकर्षण कोई लालसा न रह जाए मन में, और साथ साथ केवल यही नहीं, केवल दृष्ट विषयों की बात नहीं है, यानी कि इस लोक के भोग विलास से मन उब गया ऐसा ही नहीं है, कह रहे हैं कि आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, आनुश्रविक अनुश्रव बोलते हैं वेद को, अनुश्रव वेद पीछे से जो सुना जाता है, गुरु के मुख से पहले उच्चरित होता है वेद और फिर जो है शिष्य उसको श्रवण करता है, इसलिए उसको अनुश्रव कहा जाता है। तो अनुश्रव वेद और उस वेद से जो प्रतिपादित है वो आनुश्रविक है, यानी कि वैदिक। तो जो वेद प्रतिपादित कुछ विषय होते हैं, स्वर्ग आदि विषय होते हैं, विदेह और प्रकृति लय जैसी स्थिति का वर्णन आता है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की बात बताई गई है, एक विशेष प्रकार के लोक जहाँ पर दिव्य भोग की प्राप्ति होती है, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, दिव्य आयु की प्राप्ति होती है, दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अणिमादि सिद्धियां की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से वर्णन आते हैं शास्त्रों में। तो उन वैदिक जो विषय बताए गए हैं वेद शास्त्र में, स्वर्ग आदि के विषय में, अणिमादि सिद्धियों के विषय में, उन विषयों से भी मन का हट जाना, क्योंकि प्रायः क्या होता है कि हम धर्म आदि का अनुष्ठान इसलिए भी करते हैं कि इस जन्म में तो चलो हमें निकृष्ट भोग उपलब्ध हैं, और ऐसे हम अनुष्ठान करेंगे धर्म का काम करेंगे तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा, बढ़िया भोग प्राप्त होगा, स्वर्ग आदि लोग को प्राप्त कर लेंगे, बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत होगा, या अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, बढ़िया भोग वस्तु मिल जाएगी, इस स्वार्थ की भावना से भी हम धर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भावना भी नष्ट हो जानी चाहिए, बस करिए धर्म का आचरण करिए बस, लेकिन वो जो भावना है कि किस प्रयोजन से कर रहे हैं, इस लोक के लिए नहीं अपितु भिन्न लोक में जाकर भोग भोगेंगे, भोगना तो भोग ही है, ये तो एक प्रकार का जो कहते हैं कि व्यवसाय हो गया, या आपने पहले कुछ खर्च किया और उसमें अंत में क्या पाया, पैसा ही पाया, पैसे खर्च करके आपने पैसा ही पाया, ऐसे ही भोगों का त्याग करके आपने क्या पाया, भोग ही पाया, तो अंततः क्या पाया, अभी भी भोगी ही हो, योगी कहाँ बन पाए। यदि भोग का त्याग भोग को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, वह भोग कैसे हो, अनुश्रविक हो, वैदिक हो, शास्त्रोक्त हो, स्वर्ग आदि के रूप में हो, तो ऐसे भोग के प्रति जो लालसा है वो लालसा भी मिट जाए,
मन से मिट जाए, मन में ना हो, ये कहने की बात नहीं है, ये मन की बात है, मन में ना हो, मन से वितृष्ण हो जाए, तृष्णा रहित हो जाए, कोई रस ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई आसक्ति ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाए, यानी कि दृष्ट विषय वितृष्णस्य आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ऐसी स्थिति हो जाए जिसकी, उसको कहते हैं वशीकार हो गया, अब उसका मन, मन वशीकृत हो गया, मन उसके अधिकार में हो गया। अभी उससे पूर्व में स्थिति क्या थी, उस पूर्व में स्थिति थी कि मन जैसा कहता था वो वैसा ही भागता था, मन कहता था आज जलेबी देख लिया तो उसमें मन जग गया, अब जलेबी खाना चाहिए, अब कहीं ना कहीं से अब जलेबी की जुगाड़ करेगा और खाएगा। अब ये क्या है, ये स्थिति जो है मन चला रहा है उसको, आंखों ने देखा, मन ने संकल्प किया, अब मन उसको दौड़ाने लगा, बार बार उसके संकल्प आएंगे, उसकी स्मृति आएगी, उस मधुर रस की स्मृति आएगी, और अंततः हम जो है कहीं से खरीद करके खा ही लेते हैं। अब ये जो स्थिति है ये हम मनोनुकूल चल रहे हैं, मन में आया कर दिया काम, क्रिया को संपादित कर दिया, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में अब मन कुछ नहीं कहता, वो कहता है, आत्मा कहता है कि तुमको ये देखना है ये नहीं देखना है, तुमको ये संकल्प करनी है नहीं करनी है, ऐसी भी स्थिति आती है। नहीं तो प्रायः क्या होता है, ये अभ्यास के बाद होता है, ऐसे सामान्य रूप से स्थिति नहीं आती, अभ्यास करते करते इसका लंबा अभ्यास करना पड़ता है। पहले तो मन जो है जो हमको नहीं चाहिए, हमने पढ़ लिया ऐसे संकल्प नहीं करने हैं, हमें विषय भोग के संकल्प नहीं करने हैं, हम विषय भोग की स्मृति नहीं करनी है, पढ़ लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये सब दुख के कारण है, ये बंधन में ले जाने वाले हैं, शरीर संसार से जोड़ने वाले हैं, दुख के कारण है, ये पढ़ लिया हमने। अच्छा, पढ़ने के बाद विवेक जागृत होगा कि नहीं भाई साहब ऐसे जो है संकल्प नहीं आने देने हैं, ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ऐसे संकल्प, ऐसा चिंतन, ऐसी स्मृति, लेकिन इतने मात्र से वो आना बंद नहीं हो जाती स्मृति, वो संकल्प आने बंद नहीं होते, मन में आते हैं, आएंगे, क्यों, क्योंकि पूर्व अभ्यास है। लेकिन वहां जागरूकता होती है, एक क्षण आया जिस समय बोध हो गया, अरे ये तो नहीं होने चाहिए, ये कहां से आ गया मेरे मन, नहीं, फिर तुरंत जो है अपने भगवान की तरफ स्मृति को मोड़ देता है, कहीं भी स्मृति जाए इसका सरल उपाय है स्मृतियों से, उन संकल्पों से जूझना नहीं है, जूझेंगे और वो जो है स्मृति दूसरी स्मृति को, खतरनाक स्मृति को और पैदा कर देगी। इसलिए इसका सरल उपाय है कि यदि पता चल गया कि ऐसी स्मृति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसा संकल्प हमें नहीं करना है, ये संकल्प हानिकारक है, लेकिन क्या करें, पूर्व के संस्कार के कारण वाह ही जाते हैं, उसके लिए उससे जूझने की आवश्यकता नहीं है, अपितु तत्क्षण भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, मंत्र आदि का जप शुरू कर दें मन ही मन, और भगवत स्मृति कर दें, वो अपने आप शांत हो जाए, क्योंकि वो स्मृति क्षणिक होती है, वासनात्मक स्मृति क्षणिक होती है, आती है, फिर जैसे ही भगवान की तरफ मोड़ देते हैं और मंत्र आदि का जप शुरू कर देते हैं, गुरु भगवान में मन लगा देते हैं, चित्त लगा देते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जब बारंबार सतर्कता पूर्वक हम अभ्यास करते रहें तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन अब संकल्प करना भी बंद कर देगा, उधर मन जाएगा ही नहीं उसका, लेकिन इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता पूर्वक जीवन जाए, ऐसा नहीं कि जी रहे हैं, आ रहा है मन में, उसी में रस ले रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, कौन देख रहा है उन संकल्पों को, कौन उन स्मृतियों को देख रहे, आंतरिक बातें हैं, कौन, किसी के अंदर तो झांकता नहीं है कोई, ऐसी व्यवस्था हो कि ललाट पर वो आ जाए, चीज छप जाए स्क्रीन जैसे, यहाँ क्या सोच रहे हो, तब तो कोई टोक देगा, अरे भाई क्या सोच रहे हो आप, देखिए ये क्या सोच रहे, गलत सोच, ये ठीक नहीं है, तब तो वहां सतर्कता हो जाए लोगों को, टोक दे कोई व्यक्ति, लेकिन आंतरिक मामला है, क्या चिंतन कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं, हमें स्वयं को ही पता है और स्वयं भगवान को पता है, दूसरे को तो कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए ऐसे विषयों में व्यक्ति आंतरिक रूप से रस लेने लगता है, उन संकल्पों में, उन राजसिक और तामसिक संकल्पों में, उन राजसिक और तामसिक स्मृतियों में, उन राजसिक और तामसिक भोग विलासों में, क्रियात्मक रूप से भोग विलास नहीं करता लेकिन स्मृति के रूप में भोग विलास जारी रहता है। ऐसे ही लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब व्यभिचारी हैं, ऊपर से शरीर पर जो है आवरण पहन लिए हैं साधु का, लेकिन मन में चिंतन वही चल रहा है उनके, तो ऐसे मिथ्याचारी है, दंभी है, पाखंडी है, ऐसा सब प्रयोग किए हैं भगवान ने।
इसलिए अत्यंत जागरूकता पूर्वक ये सब होने चाहिए। कोई भी दृश्य, कोई भी शब्द, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, उसका तुरंत प्रतिकार होना चाहिए। ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है। तो इस प्रकार से जब करते हैं, लंबे समय तक इसका अभ्यास करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दृश्य विषयों से भी वितृष्णा हो जाती है और अनुश्रविक विषय स्वर्ग आदि के भी लोक, स्वर्ग आदि के भी भोग भी उसे आकृष्ट नहीं कर पाते, उन भोगों के प्रति भी उसकी विरक्ति हो जाती है। क्योंकि अनुमान लगा लेता है, स्वर्ग आदि के सुख को तो जानता नहीं है, लेकिन अनुमान लगा लेता है कि जैसे इस सुख से हमें क्या हो रहा है कि इस क्षणिक सुख से, जिसको कहा जाता है कि पृथ्वी के जो सुख हैं, विषय सुख हैं, वो स्वर्ग की अपेक्षा से निकृष्ट हैं, और जब हमने देख लिया कि ये निकृष्ट सुख के ही परिणाम भयंकर दुख रूप है, तो जो इससे भी अच्छा सुख है उसका कितना परिणाम दुखदायी होगा। भाई निकृष्ट ही यदि सुख है, यही भयंकर दुख दे रहा है परिणाम में, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच्य आगे कहेंगे महर्षि, उस रूप में थोड़ा सा ये सुख, क्षणिक सुख, निकृष्ट कोटि का सुख ही यदि इतना दुखदायी हो रहा है, तो अधिक मात्रा का सुख कितना दुखदायी होगा। इस प्रकार से अनुमान लगा लेता है, और फिर अनुमान लगाकर फिर डर जाता है, कभी नहीं नहीं हमें दुख सागर में नहीं जाना है। कोई भी विवेकी व्यक्ति, यह डरना कायरता नहीं है, यह डरना पुरुषार्थ का काम है। दुखों से डर रहा है इसका मतलब केवल डर ही नहीं रहा है, दुखों से दूर जाने का प्रयत्न भी कर रहा है। और जो ये कहता है कि हमको दुखों से डर नहीं रहता, वो इसलिए कहना चाह रहा है कि पुरुषार्थ करना नहीं चाह रहा है, वो दुखों से निकलना नहीं चाह रहा है, इसलिए अपने आप को कह रहा है कि हम तो बड़े वीर हैं जी, हम तो डरते नहीं दुखों से, देखिए आप लोग डर कर भाग रहे। अरे तुम्हें भागने की औकात नहीं है, कोई कोई जो है नदी में डूब रहा है और कोई एक नदी की धारा को चीर करके आगे तट की तरफ भागा जा रहा है। अब डूबने वाला व्यक्ति उस भागने वाले व्यक्ति को कहे कि अरे तुम तो डरपोक हो, भाग रहे हो तट की तरफ, देखो मैं, अरे तुम जो है अपुरुषार्थी हो, तुम्हें वो बल और वेग नहीं है कि निकल पाओ, ये तुम अपने को जो है वीर मत समझो, ये तुम्हारी कायरता है, वास्तव में जो है तुम डरपोक हो, तुम उन पुरुषार्थ से डरते हो इसलिए डूब रहे हो। इसलिए जो डरने की बात कही गई है, भाई दुख से डरो, डरो का मतलब बाहर जाओ, उसे निकलो पुरुषार्थ पूर्वक। तो इसलिए उससे पार जाना, दुखों से पार चला जाता है वो, ऐसे अनुमान करके, क्योंकि जब इस जन्म के विषय जो हैं इतने दुखदायी है परिणाम में, तो जो ज़्यादा सुख है तो ज़्यादा दुख होगा, कम सुख तो कम दुख, ज़्यादा सुख तो ज़्यादा दुख, ऐसे व्याप्ति बना करके, तो स्वर्ग आदि सुख हैं उसके प्रति भी वो जो है रागरहित हो जाता है, और फिर उसे किसी भी प्रकार के कोई भी इंद्रियों से सुख भोगने की कामना नहीं रह जाती। और इसी स्थिति को कहा है वशिकार संज्ञा, अब वो उदासीन हो जाता है, उसका मन वशीकृत हो जाता है, अब वो मन के अधीन न होकर के मन उसके अधीन हो जाता है। जो चाहता है मन वही संकल्प करता है, जो चाहता है मन वही स्मृति करता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये सबसे ऊंची स्थिति है। वैराग्य दो प्रकार का है, ये अपर वैराग्य है, आगे तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम ये सूत्र आएगा, उसमें पर शब्द आया है, यहाँ पर अपर शब्द लिखा नहीं है, लेकिन जब अगले वाले में पर शब्द जोड़ दिया कि पर वैराग्य है, तो अपने आप ये जो अपर वैराग्य समझा जाता है। क्योंकि जब एक कहा जाए कि एक बड़ा है और छोटे को छोटा नहीं कहा गया, लेकिन बड़े को बड़ा कह दिया गया, उसी अपेक्षा से छोटा छोटा अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस सूत्र में अपर वैराग्य संज्ञा नहीं दी गई, नाम नहीं दिया गया, लेकिन आगे वाले में पर वैराग्य कहा गया है, उसकी अपेक्षा से इसको कहा जाता है कि अपर वैराग्य है। और अपर वैराग्य की भी चार कोटियाँ होती हैं, वो चार कोटियों में सबसे उत्कृष्ट कोटि है वशिकार संज्ञा वैराग्य। चार कोटि हैं, यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रीय संज्ञा और वशिकार संज्ञा, ये चार वैराग्य कोटि हैं, क्रमशः है उत्तरोत्तर जो है प्रबल है वैराग्य। यतमान संज्ञा में ये होता है कि व्यक्ति को पता होता है कि हमको रूप में आसक्ति है, हमको रस में आसक्ति है, हमको शब्द में आसक्ति है, तो राजसिक रूप, राजसिक शब्द, राजसिक स्पर्श, तामसिक रूप, तामसिक स्पर्श, तामसिक शब्द, इस प्रकार से उसमें आसक्ति होती है, तो उसमें प्रयत्न कर रहा है, जूझ रहा है, हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं देखना है, बार बार देख रहा है, मन में आ रहा है उसको, लेकिन फिर भी कह रहा है नहीं हमको नहीं देखना है। इस प्रकार के जब प्रयत्न चल रहे हैं, अंदर जो है घमासान चल रहा है प्रारंभिक रूप से,
उसको कहते हैं यतमान, यत्नशील है, यत्न कर रहा है, प्रयत्न में देखने की इच्छा तो हो रही है कि ये देख लें एक बार, लेकिन नहीं, मन कर रहा है, पढ़ लिया एक बार, नहीं, गुरु ने शास्त्र ने मना करा है, नहीं देखना है, मन में भले ही आ रहा है लेकिन गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रख करके उसको नहीं देखता है, ये नहीं छूना है, ये नहीं चखना है। इस प्रकार से समस्त ज्ञानेन्द्रियों के विषय जो हैं उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है, यत्न करता है, इसीलिए इसको कहा जाए यतमान संजय वैराग्य। ये प्रारंभिक है, यहीं से प्रारंभ किया, वैराग्य का प्रारंभ यही से होता है। आपको ये सोचने लगे स्थिति तो हम में है ही नहीं तो हम कहाँ योग कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ये तो ऊंची स्थिति के लिए, इसलिए हमने पहले ही कहा कि समाधिपाद में जो महर्षि ने कथन किया है, जो जो साधन बताए हैं वो उत्तमाधिकारी के लिए बताए हैं, जो फर्स्ट क्लास के साधक हैं। क्योंकि कोई भी शिक्षक होता है, कोई भी गुरु होता है, अपने उत्तम अधिकारी पर प्रसन्न होता है, इसलिए उसके लिए उपदेश पहले दिए हैं महर्षि ने। इसलिए यहाँ पर भी वैराग्य भी दिया है, तो कौन सा वैराग्य दिया, वचिकार संजय वैराग्य दिया है महर्षि ने, यतमान संजय आदि का कथन नहीं किया है, सबसे ऊंचा दे दिया। क्योंकि ये सामान्य साधक नहीं, जिसको उपदेश दे रहे हैं वो सामान्य के लिए नहीं, सामान्य के लिए आगे देंगे, इसलिए वचिकार कहा। तो यतमान संजय में ये होता है कि वो व्यक्ति अपने इंद्रियों के विषय से जूझ रहा होता है, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये नहीं चखना है, हमें ये नहीं छूना है, इस प्रकार से उसके अंदर संघर्ष चलता है, तो यतमान संजय वैराग्य हो गए। एक होता है व्यतिरेक संजय वैराग्य। जब यतमान संजय ही लंबे समय तक ऐसा अभ्यास करते करते कि हमें ये नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है, ये नहीं चखना है, ऐसा करते करते बहुत लंबे समय तक करे, तो एक स्थिति आती है कि कुछ विषयों में उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। कुछ विषयों में कि भाई हमारे गंध में आसक्ति नहीं है, कि हमें जो है अच्छे अच्छे इत्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, गंध में आसक्ति खत्म हो गई, रस में आसक्ति खत्म हो गई, रूप में आसक्ति खत्म हो गई, लेकिन स्पर्श में आसक्ति है थोड़ी सी, अभी नहीं गया। वो व्यक्ति अपने आप को जांचता है कि हमने किन विषयों पर वशीकार किया, कौन से विषय हमको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो जब देखता है कि हमको रूप प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अथवा हमको रस प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अथवा हमको स्पर्श प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा देख करके वो कहता है कि हाँ यहाँ बस ये रूप में थोड़ी सी आसक्ति है मेरे को, अथवा रस में आसक्ति है मेरे को, रूप आदि को हमने विजय प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार कुछ एक इंद्रियों के विषय शेष रह जाते हैं, अब उस पर प्रयत्न करता है, बाकियों पर उसने वशीकार कर लिया। तो यतमान संज्ञा का परिणाम वही यतमान संज्ञा वैराग्य जो है व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य में बदल जाता है। अब इसके बाद भी अब देखता है कि बस मेरे को इसमें थोड़ी सी आसक्ति है, इसको भी त्याग करना है, कैसे होगा, नहीं देखना है, नहीं सुनना है, यदि रूप की आसक्ति है तो रूप नहीं देखने है, रस की आसक्ति है वो नहीं खाना है, यही इसका उपाय है, वैराग्य का और कोई उपाय नहीं, त्याग ही करना है बस, त्याग करने से वैराग्य पुष्ट हो जाता है। तो यतमान संजय ही जब व्यतिरेक में बदल जाए, और व्यतिरेक ही जब एक चरम अवस्था पर जाएगा, तब अब ये हो जाएगा कि अब इंद्रियां उसको प्रभावित नहीं करें, मन में थोड़ा सा एक इंद्रिय संजय उसको कहते हैं, एक इंद्रिय अर्थात अंतःकरण एक होता है, इसलिए उसको एक इंद्रिय संजय वैराग्य कहा गया है, कि रूप रस आदि में उसकी आसक्ति तो नहीं रही, कभी कभी मन कर देता है, प्रायः जो है वो उसमें विचलित नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा उसको लगता है कि मन में अभी थोड़ा सा है, अब उस पर भी वो ध्यान देता है, तो इसको एक इंद्रिय संजय वैराग्य, मन को भी शोधन करने का प्रयत्न करता है। बाहरी से सब निवृत्त हो चुका है, बाहरी में बाहरी देखने से लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है अच्छा साधक, इतने में इतने ही कोई कर ले तो समाज में उसका बहुत बड़ा साधक माना जाता है। एक इंद्रिय संजय मन में है लेकिन इंद्रियों के संयमित करता, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या छूना है, इसका कर लेता है, तो यही बहुत बड़ी साधना हो जाती है सामाजिक दृष्टिकोण से। तो लेकिन मन में है, अब वो मन के शोधन का प्रयत्न करता है, वो कैसे होगा मन का शोधन, आगे बताएंगे उपाय। तो एक इंद्रिय संजय, और फिर एक इंद्रिय संजय का भी जब उसने वशिकार कर लेता है, उसको भी शोधन कर लेता है उपायों द्वारा, कतिपय उपाय बताए जाएंगे आगे, उन उपायों से तब अंततः स्थिति जो बनती है वो वशिकार संजय बनती है, कि अब मन से सारे प्रकार के विषय विकार की आसक्ति खत्म हो गई, तो जो है उस समय दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशिकार संजय वैराग्य, तब वशिकार संजय नामक वैराग्य सिद्ध हो जाता है, और वह वैराग्य जो है समस्त प्रकार के वृत्तियों को निरोध करने में सक्षम हो जाता है। और यदि वैराग्य ना हो
कितना भी अभ्यास करते रहें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति जब तक बनी रहेगी, उधर योग भी कर रहे हैं और भोग भी कर रहे हैं, दोनों बराबर मात्रा में कर रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे एक कदम आगे जाना एक कदम पीछे जाना, एक कदम आगे जाना एक कदम पीछे जाना, परिणाम क्या है, वहीं का वहीं रहना। और आप कहेंगे कि भाई हमने तो बहुत दिनों तक चला, वो एक दृष्टांत दिया जाता है कि दो जो है शराब पी करके और नाव में जा रहे, तो नाव बंधी थी और रात भर चलाए उसका चाक चलाए रात भर, और फिर दिन में देखा कि वही है, तो देखा क्या है, तो उसमें कहा रस्सी तो बंधी हुई है, खोला ही नहीं है मैंने रस्सी, परिश्रम उतना का उतना और प्राप्ति कुछ नहीं। तो इसलिए वैराग्य से पहले विषय स्रोत को सुखाने की बात महर्षि ने कही, और उसके बाद अभ्यास के द्वारा विवेक को उद्घाटित करने की बात कही है। इसलिए पहले वैराग्य होने चाहिए और पश्चात अभ्यास होना चाहिए, अर्थात दोनों को साथ साथ होने चाहिए, लेकिन वैराग्य पूर्वक अभ्यास होने चाहिए। तो इस प्रकार से वैराग्य पूर्वक अभ्यास से चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, और वो चित्त वृत्तियाँ पहले राजसिक और तामसिक वृत्तियों का निरोध होगा, सात्विक वृत्ति बनी रहेगी, और अंततः वो सात्विक वृत्ति भी निरोध होकर के वृत्ति मात्र निरोध पूर्वक असंप्रज्ञात योग की स्थिति में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसका फल होता है कि तदा दृष्ट हो स्वरूप अवस्थान। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।